साथियों नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी में। पंच प्राण मुद्रा की जो श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में आज हम आपसे एक समय चर्चा करने वाले हैं ब्यान मुद्रा। ब्यान मुद्रा एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। पहले समझ लें हम लोग कि ब्यान मुद्रा है क्या या ब्यान वायु है क्या, क्योंकि ये पांच वायु है और इन्हीं पंच वायुओं को संतुलित करने के लिए पांच प्रकार की मुद्राओं का निर्माण हमारे योग ग्रंथ में किया गया है। व्याप्नोति शरीरम यह सह ब्यान, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वही ब्यान है। संपूर्ण शरीर व्याप्त मतलब पूरे के पूरे हमारे जो यूं कह सकते हैं शरीर में व्याप्त हमारा स्किन है, उन संपूर्ण शरीर में जो कार्य को संपन्न करता है, रक्त संचार हो, श्वास प्रश्वास हो, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर का नियंत्रण करता है। अंतर मन की स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात हमारे मन की जो क्रियाशीलता है, उधेड़ बुन जो हम लोग करते रहते हैं, वे सारे कार्य भी इसी ब्यान वायु के द्वारा संपन्न होता है। मित्रों, ब्यान वायु पंच प्रकार के वायु के बारे में जो चर्चा किए थे उसमें से एक है। सबसे पहला जो वायु वह है प्राण, दूसरा था आपान जिससे पूर्व हमने चर्चा की थी वीडियो में, और अभी जो तीसरा नंबर की जो प्राण हम चर्चा कर रहे हैं वो ब्यान प्राण है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं कि ब्यान प्राण जो है वैसे संपूर्ण शरीर में है, लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्राण का भी कार्य दिया, लेकिन वहां पर भी ब्यान वायु व्याप्त होते हैं। शीघ्र गति करने वाला ब्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है। इसका जो कार्य है साथियों ये महत्वपूर्ण है, गति चलना फिरना, और दूसरा जो है प्रसारण, अंगों को फैलाना या सिकुड़ना, ये दोनों ही कार्य हमारे अपान जो आपका सॉरी ये ब्यान वायु के द्वारा संपन्न होता है। आक्षेप, अंगों में झटका होना, जो यूं कह सकते हैं कि अपान वायु और इसके महत्वपूर्ण और भी उपप्राण हैं जिसका बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे हम हाथ पैर को हिलाते डुलाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं। निमेश, पलक का बंद होना या खुलना, ये झपकना बंद होना, ये सारे के सारे कार्य ब्यान का ही कार्य है और ब्यान के उपप्राण ये सारे कार्य संपन्न करता है। इसके साथ साथ में पांचवा नंबर जो इसकी जो जो कार्य दिया गया है वो है प्रसारण कार्य। प्रसारण क्रिया के अंतर्गत आकुंचन और प्रसारण दोनों प्रकार का। साथियों आकुंचन और प्रसारण का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। शरीर के किसी अंग को सिकुड़ना और फैलाना, ये सिकुड़ने और फैलाने का जो कार्य है और योग में इसी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितने भी योग अभ्यास करते हैं ये दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तकनीक होता है, आकुंचन और प्रकुंचन का, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इसी से शरीर स्वस्थ बना रहता है क्योंकि इससे संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। यह वायु रस संवहन में पवित्र रहता है। रस मतलब आप जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो रस होता है वो रक्त के रूप में कन्वर्ट होकर के वो संपूर्ण शरीर में जो प्रवाहित कराने का जो कार्य करता है वो आपका ज्ञान वायु है। आप कहेंगे नहीं सब ये तो हृदय के द्वारा होता है, हृदय का पंपिंग करना है, लेकिन पूरे नस नाड़ियों के माध्यम से उसे पूरे शरीर में सेल्स तक पहुंचाने का कार्य ये ब्यान वायु का होता है। सेवन नंबर जो चर्चा किया है श्वेत का निर्माण एवं निष्कासन। श्वेत मतलब पसीना, पसीने का जो निर्माण करने वाला कार्य ये ब्यान वायु के द्वारा होता है और उसका निष्कासन है, और निष्कासन करने में सहयोग करता है इसका अपान वायु। तो ये कार्य तो महत्वपूर्ण ब्यान का ही है। और रक्त का संवहन, रक्त को अपने गंतव्य तक पहुंचाना और वहां के जो टॉक्सिन्स मेटर है उसे बाहर पुनः फिर से उत्सर्जन तंत्र की ओर ले आना, ये दोनों कार्य जो है ब्यान वायु का है। अब इसके असंतुलन से साथियों महत्वपूर्ण है, आप कितने भी अलग अलग यूट्यूब चैनल देखे लेकिन इस प्रकार का यूनिकनेस शायद मेरे ख्याल से आप नहीं देखोगे कि अगर ब्यान वायु विकृत हो जाए तो कौन कौन से रोग आएगा, इसको आपको जानना जरूरी है। जोड़ों के कड़कड़ाहट, जो जोड़ों में जो आवाज आती है उठते बैठते, ये सारे के सारे ये ब्यान वायु के असंतुलन से होता है। गठिया, जोड़ों का दर्द, कमजोर स्नायु, नस नाड़ियों की जो जिसमें वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, ये भी इसी ब्यान वायु की वजह से होता है। मूत्र की अधिकता, अति मूत्रता जिसे कहते हैं हाइपर यूरिनेशन, ये हाइपर यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम जो है ये भी ब्यान वायु की विकृति से होता है। कमजोर रक्त संचरण, कमजोर रक्त संचरण मतलब रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है जिसे हम लोग लो बीपी कहते हैं। अनियमित धड़कन,
जो हमारे जो हार्ट का जो पल्स है या धड़कन जो है वो अनियमित होता है। तो इस अनियमित धड़कन को हम लोग इसके द्वारा नियमित करते हैं। शारीरिक हलचल एवं रुकावट, जो शरीर में जो भी हम मूवमेंट कर पाते हैं, गति कर पाते हैं या ऐसे कर सकते हैं जो असंतुलन में जो लक्षण होती है, या एकाएक शरीर के कोई बॉडी पार्ट जो हिलने लग जाना, या कार्य नहीं कर पाना, या कार्य कर पा रहे ज्यादा कंपन उसमें पैदा हो जाना, मतलब अनियमितता, अतः शारीरिक हलचल में जो अनियमितता उत्पन्न होती है ये व्यान वायु के ही वजह से होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं इसकी विधि क्या है। विधि में पुनः फिर से आपसे कहूंगा कि कमर गर्दन सीधी करके बैठने की प्रक्रिया, अगर लेटे हैं तो भी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए किसी भी अवस्था में, क्योंकि स्पाइन में प्राण का प्रवाह, हमारे मेरुदंड में प्राण का प्रवाह होता है। इस प्राण के प्रवाह के द्वारा, क्योंकि जो मुद्राएं जो लगाते हैं साथियों, वे आपके पांच तत्वों की मुद्रा है, आपके फिंगर्स है, उन फिंगर को आपस मिला करके अलग अलग प्राण का निर्माण करते हैं। प्राण हमारे विशेष तौर से तत्वों के द्वारा निर्मित होता है, ये आपको जानना होगा। तो ये पांच तत्वों की अलग अलग फिंगर्स है, इन्हीं फिंगरों के निर्माण से हम लोग ज्ञान वायु को चाहे अपान वायु सारे अलग अलग मुद्राओं का निर्माण करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ज्ञान मुद्रा। इसमें तर्जनी उंगली, फर्स्ट उंगली जो आप जानते हैं इंडेक्स फिंगर कहते हैं, दूसरी जो है मध्यमा, और तीसरा जो है अंगुष्ठ, इन तीनों को हम मिला करके इस तरह से ज्ञान वायु का निर्माण करते हैं। अब इसके निर्माण करने की तकनीक इसको रख करके दोनों में इस तरह से करते हैं। मित्रों, यदि किसी को त्वचा संबंधी लंबे समय का विकार है, विकृति है, तो इसको हम रात्रि के समय भी इसमें लगाकर टेपिंग भी कर देते हैं और व्यक्ति रात भर इसको इस तरह से लगाकर रखते हैं। वैसे समय तो 45 मिनट का है, 45 मिनट का है। समय यदि आपके पास नहीं है तो आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर और 15 मिनट सायंकाल इसको आप अभ्यास क्रम में ला सकते हैं। लेकिन जो इस रोग से ग्रसित है, जो हम चर्चा किए हैं, तो उस भी व्यक्ति इसको लंबे समय से 45 मिनट से समय आगे बढ़ाए, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा कर लें, और या तो रात में, रात मैंने कहा ना कि टेपिंग करके रखने की भी तकनीक है जिसे आप रात भर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीका से इस ज्ञान वायु मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं साथियों, इसके बेनिफिट महत्वपूर्ण। देखिए, रक्त परिसंचरण को नियमित करता है, जो हृदय से पंपिंग होने वाली जो रक्त का संचार है उस संचरण को ये नियमित और कंटिन्यूटी में बनाए रखता है। दूसरा, त्वचा संबंधी रोगों में उपयोगी है। त्वचा संबंधी रोग क्या क्या हो सकता है, चाहे कि स्किन एलर्जी हो, दांत खाज खुजली हो, या बहुत सारे जो भी विकार हो सकता है, या आपके त्वचा में रूखापन होता है, रूखापन में भी ये महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उच्च एवं निम्न रक्तचाप में सहायक है, मतलब सहायक मतलब इसको संतुलित करने में सहायक है। ये जब कोई बीपी यदि हाई हो जाए या लो हो जाए, दोनों ही प्रक्रिया, क्योंकि ये ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित और नियमित करता है, मूत्र विकार को नियंत्रित करता है। मूत्र विकार यदि या तो मूत्र विकार अनियमित हो रहा है, बार बार हो रहा है, या बिल्कुल ही नहीं, रुकावट आ रही है, दोनों ही प्रक्रिया को संतुलित करने का कार्य करता है। इसलिए ज्ञान वायु हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसे हम यदि स्वस्थ व्यक्ति हैं तो स्वस्थ व्यक्ति यदि दिन में दो बार तीन बार करते रहे, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, तो उन्हें इससे संबंधित विकार आने वाला नहीं है। अगर जिनको आ गया है वे व्यक्ति इसको लंबे समय तक करें, क्योंकि योग का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसे लंबे समय तक स्वस्थ बनाना, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो रोगी हो गया है उस रोगी व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करना, ये उद्देश्य आयुर्वेद का भी है और यही उद्देश्य हमारे वैकल्पिक चिकित्सा का, योग का भी है। इसलिए साथियों, आप यदि स्वस्थ है तो भी करें, और जो अस्वस्थ है उनको तो करना ही चाहिए। तो आज इस क्रम में हमने आपसे हम चर्चा किया ज्ञान वायु का। अगले क्रम में हम उदान प्राण के बारे में, उदान प्राण मुद्रा के बारे में बात चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पुनः एक बार दो बार देखिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को जरूर आप बजाएं, ताकि आपको हमारी जितने भी नई वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वे सभी आपसे सबसे पहले उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, समुन्नत जीवन जिए, यही कामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।